भाई आपका नाम भाई? जसवंत यादव। ओ भाई जसवंत यादव जी है ये, और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया करीब 50 किलोमीटर का। थैंक यू सो मच भाई, मुझे क्या अच्छा लगा आपसे। भाई कल रात ही गुजरात में एंट्री हो गया था, रात में गुजरात में ही सोए थे टेंट के नीचे, ऊपर टेंट लगा था उसके जबरदस्त टेंट लगा लिया हम, आराम से सोए। अभी सुबह लिफ्ट होने में तैयार है, करीब 8 बज रहे हैं अभी, और ये हाईवे है, यहाँ से अभी हमको जाना है बापी, उसके बाद वलसाड, उसके बाद नवसारी, ऐसा होते हुए सूरत तक जाना है। आज देखते हैं क्या होता है। और आज एक दोस्त भी है, मतलब कि ट्रेवल विदाउट मनी अफसार मलिक भाई, वो इसी साइड आ रहे हैं, हो सके अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए तो अच्छा रहेगा भाई। अफसार मलिक भाई का इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, वो मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, उसका ये कहना है। आज वो इधर आ रहे हैं, हम और उसकी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मिल जाए तो भाई हमें खुशी होगी, लिफ्ट वगैरह बाकी स्टार्ट करते, देखते हैं क्या होता है। आज का टारगेट सूरत अहमदाबाद, लिफ्ट मांगना स्टार्ट। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। लिफ्ट मिलने का बताते हैं कि कौन लिफ्ट दिया। तो भाई देख सकते हो गाड़ी रोका है एक अंकल ने, जाते हैं देखते हैं क्या होता। हम ऑल इंडिया ट्रेवलिंग पे, हम जाएंगे सूरत अहमदाबाद तक, आप कहाँ तक छोड़िएगा, लिफ्ट दे रहे हैं, हम लिफ्ट लेकर ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कहाँ तक भाई? आज लिफ्ट मांगना करीब 8 बजे स्टार्ट किए, अभी हो रहा है 8:20, करीब 20 मिनट बाद ये भैया मिले हैं। भैया आपका नाम क्या हो भैया? नीरज। बिहार से? नहीं यूपी से। यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से है, और यहाँ पे इधर काफ़ी यूपी और बिहार के लोग मिल रहे हैं, यूपी का ज़्यादा यूपी का लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्होंने लिफ्ट दिया करीब 20 मिनट यहाँ पर वेट किए खड़ा होकर, तो इन्होंने लिफ्ट दिया, कोई रोक नहीं रहता गाड़ी, पता नहीं क्यों, किसी को भी गलत लगेगा, वो थोड़ा संस्थान एरिया है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा एरिया में लिफ्ट मांगा चाहिए, हम वैसा एरिया में लिफ्ट नहीं मांगे, लोग करना पड़ा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपसे मिल के अच्छा लगा, आपको लिफ्ट दिया। आप कहाँ तक जा रहे हैं? तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो भाई हमारे आगे वाला गाड़ी टोल के पास आकर ख़राब हो गया है, अब हमें गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा, बाकी भैया पूरा वो हॉर्न मार रहे हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं भाई सुबह करीब 8 बजे करीब मैं इस भाई के गाड़ी में बैठा था, अभी रात के करीब 8 बज रहे हैं, और अहमदाबाद हम पहुंचेंगे अप्रॉक्स 11 बजे रात तक। भाई ने दिन में भी खाना खिलाया होटल में, और अभी इन्होंने घर से खाना लाया है, और ये मुझे अभी खाना खिलाएंगे। यार कसम से बहुत बहुत अच्छे हैं भाई ये, इनका पूरा नाम है नीरज गिरी भैया, ये जौनपुर से हैं। तो भाई कल रात के 11 बजे अहमदाबाद पहुँच गए थे, क्योंकि कल 2:30 बजे तक पहुंचे थे वडोदरा, वडोदरा में उस ड्राइवर भाई को थोड़ा रेस्ट करना था, स्नान करना था, इसके कारण वो 3 बजे मतलब कि 3 घंटा वो घर गए, मतलब घर गए, बगल में ही घर था उनका वडोदरा में, गुजरात में ही पड़ता वडोदरा, उनका घर था वहाँ पे, वो घर गए नहाए आराम से 2 घंटा सोए, उसके बाद आए 6 बजे, 6:30 बजे तो गाड़ी स्टार्ट किया 7 बजे, 7 बजे 4 घंटा लग गया भाई यहाँ पहुँचने में अहमदाबाद, तो 11 बजे पहुँचे यहाँ पे, उसको सामान खाली करना था, तो यहाँ पर हम सोए थे, टेंट लगा के सो गए, अभी निकलते हैं यहाँ से साबरमती आश्रम देखेंगे, उसके बाद निकलेंगे मध्य प्रदेश या तो राजस्थान, देखते हैं क्या होता है आज, कैसा मतलब फीलिंग आता है। कल का तो एकदम, कल का तो कोई लिफ्ट मांगना नहीं पड़ा,
मतलब एक लिफ्ट मांगना पड़ा और उसी लिफ्ट के सहारे अहमदाबाद पहुंच गए। करीब 400 किलोमीटर, 370 किलोमीटर है, लेकिन ये घूम घूम के आए तो कम से कम 400 किलोमीटर का सफ़र रहा। कल सबसे लंबा लिफ्ट मेरा हाईएस्ट रहा इसी ट्रक से और इसी ड्राइवर भाई साहब के साथ। काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। तो फाइनली भाई मैं साबरमती आश्रम पहुंच चुका हूं और आज माहौल बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहां पे आर्मी भाई लोग आए हुए हैं यहां पे गांधी जी का दर्शन करने, गांधी जी के बारे में जानने के लिए। तो भाई इनके बहाने मुझे भी बहुत कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी अगर हम स्पेशल आते तो हमें तो कुछ नहीं मिलता देखने को, हालांकि गांधी जी मिलते लेकिन उनके बहुत कुछ आज दिखाने को मिलेंगे। चरखा वगैरह देखते हैं, शायद दिखा दे तो अच्छा होगा। खादी वस्त्र स्वावलंबन बिकवाली थी। अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमारे देश से कॉटन खरीद के लेके जाते थे। किसानों को कहते थे कॉटन ज्यादा उगाओ, अनाज कम। बाहर के देशों से हमें अनाज लाना पड़ता था, अनाज कम पड़ जाता था। कॉटन जो बड़े पैमाने में होता था, घासड़ी की घासड़ी भर भर के मुफ्त के दाम में विदेश चला जाता था और वहाँ रिफाइंड वर्क मजदूरी वहाँ लोगों को रिफाइंड वर्क के लिए मिलती थी। वूल मिक्स करके वापस देते थे, तगड़ा दाम लेते थे। गांधी जी ने कहा हम गरीब हैं, ऐसे तो हम और भी गरीब होते जाएंगे, क्यों ना हम हमारे कॉटन से अपने कपड़े खुद बनाएं। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ के इतने सारे लाखों लोग इकट्ठा हो गए, गांधी जी से मिले, बोले कि आपने चरखा शुरू किया, हम यहाँ बेकार हो गए। तो हमारे देश में गांधी जी चाहते थे कि वस्त्र स्वावलंबन इक्वालिटी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देश के जवान सब आए हुए हैं, जिसके कारण हमारा भी फायदा हो रहा है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस आंटी के द्वारा, वरना हमें कुछ नहीं मिलता अगर हम इस दिन नहीं आते तो। दोस्तों वीडियो रोककर आप सत्याग्रह का पूरा मतलब समझ सकते हो जो कि गांधी जी बताना चाहते थे लोगों को। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ गांधी जी बैठा करते थे और ये वही चरखा है जो कि गांधी जी चलाया करते थे और खुद का कपड़ा बनाते थे और भारत को बोलते थे कि खुद का सब कुछ बनाओ, हमें विदेशों के दम पे नहीं रहना है, हमें खुद के दम पर करना है, ऐसे तो हम और भी गरीब हो जाएंगे। तो गांधी जी का ये सुझाव हमें काफ़ी अच्छा लगा। बाकी बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, मतलब सैल्यूट है इसको, गांधी जी को बहुत ही बड़ा सैल्यूट है हमारे तरफ से। तो उन्होंने ऐसे ही कहावत देकर उनको एग्जांपल दिया कि मेरे लिए पॉसिबल है, आपके लिए कुंडली के अंदर गुड़ को तोड़ना जो मुश्किल है। सो उनको भी पत्नी से भी चैलेंज मिली, बट एज ऑफ 75 कस्तूरबा जी जब आगा खान पैलेस जेल में उनका मृत्यु हुआ तब तक दोनों साथ में रहे, एक ही रूप के नीचे हमेशा अलग अलग रहते थे। कस्तूरबा की कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी कबोर्ड में, लेकिन वेदर के इफेक्ट से कपड़े में छेद हो रहे थे, येलोइश हो रहा था, तो हमने आर्काइव में अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं। अभी डिस्प्ले में इतनी सारी चीज़ें हैं। हम चलेंगे दूसरे कमरे में, पहले जितनी मेहमान रहती थी वो वहाँ रहते। ये कस्तूरबा जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो। ये रसोई घर है, पानी का घड़ा आप देख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ पर पानी का घड़ा रहता था। कस्तूरबा जी यहाँ बैठ कर ही खाना बनाया करते थे। ये पत्थर की थाली है, लकड़ी की थाली है, गरौड़ा जल में जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया बड़ा सा ग्लास। उन्होंने कहा कांटा चम्मच की हमें आदत नहीं थी, विदेश गए तो कांटा चम्मच कंपलसरी हमें उससे खाना पड़ा, पर जब एक ही साल रहने के बाद वापस लौटे तो छोड़ना भी उतना मुश्किल हो गया था। पर मुझे पता है कि लास्ट तक उन्होंने कांटा चम्मच से अगर फ्रूट खाने हैं और कुछ लिख भी रहे हैं तो कांटा चम्मच ज़्यादा सहूलियत उनके लिए। ये अस्थि कलश है, अस्थि तो नदी में बहा दिए गए हैं। ये उनको भेंट मिला हुआ चरखा है, उनकी वॉकिंग स्टिक है। एक एक चरखा अगर चाबी चाबी वहाँ है तो ना चाबी लेके आती हूँ, बड़ा सा चरखा अगर आप उठाएं ले लो। तो दोस्तों ये है कुछ कांटा चम्मच जो कि गांधी जी जो विदेश में इससे खाते थे, इनको आदत लग गई थी विदेश में, तो उनका कुछ अंश यहाँ पर लेके आए थे, तो ये भी उनका कुछ खास था, यहाँ पर भी वो खाते थे। और ये उनका कुछ पुराना गिलास है और चीनी मिट्टी का कटोरा है जो कि वो यूज किया करते थे। बिल्कुल मैं आपको उनका ही जेन्युइन चीज़ दिखा रहा हूँ, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे गांधी जी का ओरिजिनल चरखा निकल चुका है जिसको कि वो खुद से यूज किया करते थे, और आंटी ने कहा कि हम आप लोगों को वो दिखाएंगे जो कि गांधी जी कैसे कपड़ा बनाते थे, वो भी वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। ये बीच में फोटो उसको
वजह से हम घुमाएंगे। वो चलते चलते भी तकली चला देते पूरे भागवत में, कहीं बैठे हुए कहीं सुन रहे कुछ भी, पर्स में आराम से रह जाएगी और धागा निकल जाएगा। तकली से जितना धागा निकलता उससे अपने जीवन भर का गुजारा विनोबा जी करते। विनोबा जी जब यहाँ आए काशी विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, तो उनको पता चला कि काशी विद्यालय में पढ़ने का जो खर्च आएगा, तो उन्होंने अपना जो खाने पीने का मेन्यू था उसमें से मूंगफली निकाल दी। बोले कि अगर पढ़ाई करनी है तो तकली से ही, अगर धागा निकाल के उसी से गुजारा करना है तो मूंगफली परवड़ेगी। तो उनके जीवन में इतनी सादगी थी। ये रुई है, रुई पर हमने इतना, देखो इतना छोटा सा मैंने कॉटन लिया, कॉटन पर मैंने धागा ऐसे ही रख दिया और जैसे हमने हल्के से घुमाना शुरू किया धागा बनना शुरू किया। इसमें एक हाथ से मैं घुमा रही हूँ, एक हाथ से मैं खींच रही हूँ, ये दोनों अलग अलग काम एक ही समय में हो रहा है दोनों हाथों से। सो इससे एकाग्रता बढ़ती है। दादी जी नेवर सेड लाइक, दादी जी हमेशा कहते थे कि जब आप ये व्हील घुमाना शुरू करो अंदर का आपका व्हील भी शुरू हो जाना चाहिए नाम से। तो उनके लिए मेडिटेशन, विनोबा जी गांधी जी हमेशा ये काम करते थे। इसको अगर हमें कहीं लेके जाना हो तो ईजिली हम इसको फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों आपने जो अभी देखा ये गांधी जी का छोटा चरखा था जो कि इजीली फोल्ड हो जाता है, और ये कहीं अगर गांधी जी कहीं जाते थे बाहर तो ये इसको यूज करते थे, ये वो ले जाते थे कहीं भी बैठ के, वो अपना काम करने लगते थे इस पे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था और काफ़ी छोटा था तो उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलता था। वीडियो में बने रहिए, आपको बड़ा चरखा भी दिखाते हैं। खींचेंगे नहीं तो धागा नहीं होगा, खींचना पड़ेगा। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं, गांधी जी का जो स्टैचू है वहाँ पर आप फोटो खिंचवा लीजिएगा एक साथ में, और चरखा गैलरी है वहाँ हम जाएंगे। ठीक है, फिर कभी भी टाइम आपकी यात्रा, एकता यात्रा है, गांधी जी बड़े प्रसन्न होंगे, और कभी भी आपको फिर टाइम मिले आप जरूर आइएगा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गांधी जी के पुस्तकालय में, जो कि आपको यहाँ पे बहुत सारे पुस्तक मिल जाएंगे गांधी जी के बारे में, और अन्य क्रांतिकारियों को भी पुस्तकें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये था साबरमती आश्रम, और आपको गांधी जी का देश हित में जो काम करते थे वो आपको कैसा लगा, उनका चरखा वगैरह सब रियल चीज़ देख कर आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना वीडियो। तो भाई साबरमती आश्रम भी देख लिए, गांधी जी का आश्रम, सब कुछ वहाँ का नॉलेज पता चल गया भाई, क्या था क्या, गांधी जी क्या कर रहे थे भाई। जहाँ पे रात में सोए थे कल, वहाँ से करीब 6 किलोमीटर था गांधी आश्रम, लिफ्ट लेने का ट्राई नहीं किए भाई, पैदल ही चल के आ गए, 6 किलोमीटर पैदल चले हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:32 हो रहा है, अभी निकलते हैं यहाँ से, लिफ्ट मांगते हैं इंदौर के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट था गांधी आश्रम देख के यहाँ से निकलना।
तो हम सूरत होते हुए आए हैं, वापी होते हुए, वडोदरा घूमते हुए हम अहमदाबाद आए हैं। ये सब सिटी तो घूम लिए, अभी यहाँ से इंदौर निकलेंगे। गांधी जी का आश्रम देख के काफ़ी दिल को सुकून मिला, काफ़ी उनका नॉलेज, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज मिला हमको, काफ़ी अच्छा लगा।